वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान जाम कमाल से वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात हुई, जिसमें कोरोना वायरस की रोकथाम और तदारुक से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़ीर-ए-आला ने एहतियाती तदाबीर के लिए अपने अपने सूबे में जारी इकदाम से मुतालिक आगही दी। मुलाकात में इत्तफाक किया गया कि कोरोना वायरस की रोकथाम और तदारुक कौमी मसला है, जिससे मिलकर निपटा जाएगा। बलोचिस्तान और सिंध ज़ायरीन से मुतालिक मालूमात का तबादला करेंगे। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान ने सैयद मुराद अली शाह को बताया कि ईरान से आने वाले ज़ायरीन को ताफ्तान बॉर्डर पर 14 दिन करंटीना में रखा जा रहा है। ताफ्तान में ज़ायरीन की स्क्रीनिंग और इन्हें तमाम सहूलियात फराहम की गयी है। मुलाकात में सिंध के ज़ायरीन की इनके इलाकों में वापसी से मुतालिक अमूर पर भी बातचीत की गई और इत्तफाक किया गया कि ज़ायरीन की सिंध वापसी के अमल में दोनों सूबों के मुतालिक हुकाम कोऑर्डिनेशन करेंगे। मुराद अली शाह का कहना था कि ईरान और चीन से गुज़श्ता दिनों सिंध वापस आने वाले 2300 अफराद की निशानदही करके इनसे राब्ता किया गया है। इन अफराद में खांसी, बुखार और दीगर अलामात के टेस्ट किए जा रहे हैं। ताफ्तान में ज़ायरीन को देखभाल और सहूलियात की फराहमी के लिए बलोचिस्तान हुकूमत के इकदाम काबिले तारीफ है। कराची में भी एक नौ तामीर शुदा 140 बिस्तरों के अस्पताल को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया गया है।